अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल एसेस या फिर बायो एसेस भी इसको कहते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर्स में एसेस बताए थे ना, वो सारे केमिकल एसेस थे। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एसेस। केमिकल एसेस और बायोलॉजिकल एसेस में डिफरेंस ये है कि हम बायोलॉजिकल एसेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एनिमल्स पे परफॉर्म करें, माइक्रोब्स पे परफॉर्म करें, तो हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे जब हम ऐसे परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल एसेस कहते हैं। जबकि केमिकल एसेस में हमने पढ़ा था कि हम टाइट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन और पोटेंसी ऑफ अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ मयरिंग एंड कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड और सुटेबल बायोलॉजिकल सिस्टम अंडर स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंडीशन। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस की जो है ना पोटेंसी को और उसकी कंसनट्रेशन को चेक करते हैं, उसको मयर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड। और फिर उसको, और ये जो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं ना, एस्टिमेट कर रहे हैं, वो हम करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे। हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। एनिमल मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गिनी पिग्स मोस्टली यूज़ किया जाता है, या फिर एल्बिनो माइस यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोब्स पे हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एंटीबायोटिक का ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो हम करते हैं माइक्रोब्स पे। इसके अलावा किसी और तरह के कोई लिविंग टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, जिनको हम इन विट्रो में यूज़ कर, मतलब टिश्यूज़ को हम सेपरेट करके उसको लैब के अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक्स विवो कहते हैं। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। इन विट्रो सिस्टम होता है, इन विवो सिस्टम होता है और एक एक्स विवो सिस्टम होता है। इन विट्रो का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। इन विवो का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जो है ना बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अपना जो है ना ड्रग को जो है ना प्लेस कर देंगे और उसके जो है ना इफेक्ट चेक करेंगे। और एक्स विवो का मतलब ये होता है कि हम इन जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, कोई भी टिश्यू है या फिर उसका हम है ना, या स्किन है, एनिमल की स्किन है, उसको हम लैब के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस करके उसके अंदर अगर हम परमीएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम को जब हम लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम एक्स विवो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हम या तो इन विवो करेंगे या एक्स विवो के ऊपर जो है ना ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं बायोलॉजिकल एसेस। इंडिकेशंस फॉर बायोलॉजिकल एसेस, हम बायोलॉजिकल एसे क्यों कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, और अगर हमारे पास केमिकल मेथड है तो हम बायो की तरफ क्यों जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट इसकी इंडिकेशन ये कि सिंपली हम एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग अगर हमारे पास अननोन है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर हम वो एक्टिव प्रिंसिपल हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते तो हम बायोलॉजिकल एसेस की तरफ जाते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। या तो हमारे पास केमिकल मेथड अवेलेबल ही नहीं है तो फिर हम बायोलॉजिकल एसे की तरफ जाएंगे, या फिर अगर हमारे पास केमिकल मेथड अवेलेबल तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर हम बायो एसेस की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास जो केमिकल मेथड है ना वो इनसेंसिटिव है टूवर्ड्स लोअर डोजेस, फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन को अगर हम बायो एसे करें तो इसकी हम जो माइक्रोग्राम की कंसंट्रेशन है उसको भी ऐसे कर सकते हैं, उसको भी क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल मेथड्स की तरफ जाएं तो हिस्टामिन को जो है ना माइक्रोग्राम उसकी कंसंट्रेशन को हम जो है ना क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल एसे ज़्यादा सेंसिटिव मेथड है, हम जो है ना स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हिस्टामिन को भी इजीली जो है ना क्वांटिफाई कर सकते हैं या फिर उसको जो है ना एस्टिमेट कर सकते हैं उसके पोटेंसी, उसके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना हिस्टामिन उसके थ्रू। अननोन केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बायो एसे कर सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग वेरिएबल बट हैज सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल कार्डिक ग्लाइकोसाइड आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हम बायो एसे इसलिए भी परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी ड्रग की केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो वेरी कर रही है लेकिन उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं उनका अगर पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन है, ठीक है, तो वो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो सेम ही है लेकिन उसकी जो है ना केमिकल कंपोजिशन जो है ना वो थोड़ी बहुत वेरी कर रही है क्योंकि हमने उसको डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन किया है। तो इसको हम बायो एसे के थ्रू चेक कर सकते हैं। डी मेरिट्स क्या हैं बायो एसे के? की प्रॉब्लम इज वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है बायो एसे का कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ना उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है ना किसी भी ड्रग का जो है ना हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट एक एनिमल के अंदर डिफरेंट आ रहा है, दूसरे एनिमल के अंदर डिफरेंट आ रहा है, सेम कंसेंट्रेशन हम दे रहे हैं है ना, एनिमल्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, टाइम की वजह से आ सकती है, एज की वजह से आ सकती है, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल के जो है ना, अपनी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल उसकी हार्ट बीट चेंज है दूसरे एनिमल से, उनके अंदर आपस में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर नहीं है एक ही ग्रुप के अंदर, तो वेरिएशन आ सकती है, ठीक है, ये एनिमल्स की वजह से भी हो सकती है, ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो की प्रॉब्लम इसकी यही है कि जो रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करते हैं ना एनिमल मॉडल्स या जो भी हम मॉडल यूज करें, तो उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। इसके अलावा डीमेरिट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल इज टू बी यूज, ठीक है, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है बायो से करना है, फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन डी का, तो हमें लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स चाहिए होते हैं एनिमल मॉडल के लिए, जो है ना बहुत ज्यादा एनिमल्स चाहिए होती हैं, तो उनका जो मतलब उनकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि हम किस वेदर कंडीशंस में जो है ना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है और वो समर्स में होते ही नहीं है, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो फिर एक तो वो अवेलेबिलिटी भी उनकी कम हो जाएगी, दूसरा ये कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम इतने ज़्यादा कहाँ से लाएँ एनिमल मॉडल्स, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है। इसके अलावा ये कि एक्सपर्टीज इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एग्जीक्यूशन ऑफ एसे एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये है कि हमने एनिमल मॉडल्स तो ले लिए, हमने रिस्पॉन्स को भी वेरिएशन से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन हमें एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सनल चाहिए जो कि इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करें, इस एक्सपेरिमेंट को रन करें और फिर जो आपके रिजल्ट आए उसको एनालाइज कर सकें, ठीक है, तो एक्सपर्टीज चाहिए हम इन जो है ना एक्सपेरिमेंट एनिमल मॉडल्स पे जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग इस तरह से है कि सपोज अगर हमने जो है ना कोई किसी चीज़ का जो है ना 24 आवर्स तक 48 आवर्स तक उसकी जो है ना चेक करनी है कि हार्ट बीट किस तरह से वेरी कर रही है, या फिर हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है अगर किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के थ्रू उसका हम ऐसे कर रहे हैं और हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हम अपना कंट्रोल रिलीज पैच उस पर लगा रहे हैं, अब कंट्रोल रिलीज पैच अगर हम उस पर लगा रहे हैं तो जाहिर है फिर वो उसमें 24 आवर्स तक या फिर इससे भी ज़्यादा जो है ना टाइम ले सकता है उसको वेरी चेंज चेक करने के लिए, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम रिक्वायर्ड एनिमल्स को कुछ टाइम तक है ना विदाउट विदाउट वाटर रखा जाता है, तो जितना भी हम ये काम कर रहे हैं बायो से तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। टाइम रिलेटेड चेंजेस इन सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट ऑर्गन, इसमें ये होता है कि हम जिस टेस्ट ऑर्गन पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आई के अंदर जो है ना टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई के अंदर अगर एज रिलेटेड जो है ना आई विजन चेंज हो सकती है एनिमल्स के अंदर, जो है ना यंग एनिमल है उसकी आई साइट अच्छी हो गया एज कम्पेयर टू ओल्ड एनिमल, तो टाइम रिलेटेड जो है ना सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट ऑर्गन भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा ये है कि टेकीफा इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द सब्सटेंस बीइंग असिड, टेकीफा इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सेज ये होती हैं कि रैपिडली डिमिनिश हो जाता है इफेक्ट किसी भी ड्रग का टू रिपीटेड डोजेस, अगर शॉर्ट पीरियड टाइम में हम रिपीटेड डोजेस देते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, तो एकदम से जो है ना रैपिडली उसके अंदर जो है ना उसका जो इफेक्ट होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो जो हमें चीज़ चेक करनी है जो असे करना है वो उसके अंदर रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायो असेस, एक्टिव प्रिंसिपल टू बी असेस शुड शो द सेम मेजर्ड रिस्पॉन्सेज इन ऑल एनिमल स्पीशीज, जो जिस चीज़ को हम टेस्ट करें जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है एक्टिव प्रिंसिपल है उसका सेम इफेक्ट आना चाहिए, सेम रिस्पॉन्स आना चाहिए सारे एनिमल्स के स्पीशीज के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं। द डिग्री ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस शुड बी रिस्पॉन्सिबल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा ना किसी भी एनिमल मॉडल के अंदर वही रिस्पॉन्स रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब यही एक्सपेरिमेंट हम चाहे जितनी दफ़ा भी परफॉर्म करें अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, जो कंडीशन हमने एक दफ़ा रखी है टेम्परेचर वगैरह की वही सारी कंडीशन हम दोबारा रखें, लेकिन हम जिस टाइम पे भी जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करें तो हमारे पास रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
एड्रिनलिन शोज सेम राइज इन ब्लड प्रेशर इन द सेम स्पीशी अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ वेट एज सेक्स ब्रीड एक्सेट्रा. अब एनिमल मॉडल के अंदर सेम वेट एज और सेक्स ब्रीड वगैरह होगी, वही कंडीशंस हम मेंटेन करें जो पिछले एक्सपेरिमेंट में की थी, तो हम जितनी दफ़ा भी वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो उतना ही राइज इन ब्लड प्रेशर आना चाहिए एड्रिनलिन के इंजेक्शन से जितना पहली दफ़ा आया था. ठीक है. एक्टिविटी ऐसे शुड बी द एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट. एक्टिविटी एसेट जो हम एक्टिविटी जिसको हम ऐसे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो है ना किसी भी, जैसे ये अभी मैं हमें हाइपरटेंसिव इफेक्ट चेक किया है एड्रिनलिन का, तो अगर एड्रिनलिन के सिर्फ ये वाले इफेक्ट तो नहीं होते कि वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर, इसके और भी इफेक्ट होते हैं. तो जो इफेक्ट हमारा इंटरेस्ट का है ना, एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट, हमने सिर्फ उसी एक्टिविटी को चेक करना है, इसके अलावा किसी और एक्टिविटी को चेक नहीं करना. ठीक है. इंडिविजुअल वेरिएशन मस्ट बी मिनिमाइज. इंडिविजुअल एनिमल्स में वेरिएशन आ रही है या फिर किसी भी चीज़ में इंडिविजुअल जो वेरिएशन है ना उसको हमने मिनिमाइज करना है, ताकि हमारे रिजल्ट्स में जो वेरिएशन आ रही है ना रिस्पॉन्स की वो ना आ सके. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोसेस कितने हैं और हम किस तरह से जो है ना बायोसेस परफॉर्म करेंगे. हमारे पास एक टाइप होती है क्वांटल एसेस. क्वांटल एसेस में ये होता है कि इट इज़ एन ऑल और नन रिस्पॉन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. हम किसी भी एक्टिविटी को चेक करें ऐसे करें तो उसका रिजल्ट या तो आएगा या नहीं आएगा, ऑल और नन. हम ये चेक नहीं करेंगे कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बस हम ये चेक करेंगे कि कम आ रहा है या नहीं आ रहा है. आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस आ गई हैं, वेरिएशन आ गई हैं. द थ्रेश होल्ड डोज ऑफ द सैम्पल रिक्वायर्ड टू इलिसिट अ कम्प्लीट और अ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज डिटरमिन एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड. अब हमने जो थ्रेश होल्ड डोज है ऑफ द सैंपल, जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है जिसकी वजह से जो है ना कोई पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आना है, हमने उतना डोज लेना है सैंपल का और चेक करना है अपने जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कि उसका जो है ना इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. और हमने अपने टेस्ट सैंपल को जो उसका रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करना है विद सम स्टैंडर्ड. ठीक है. हम जितने भी बायोसेस परफॉर्म करेंगे ना उन सब में हमने अपने टेस्ट सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होता है. फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस इंड्यूस कार्डिक अरेस्ट इन गिनी पिग्स और हाइपोग्लाइसिमिक कन्वर्जेंस इन माइस बाय इंसुलिन. ठीक है. गिनी पिग्स जो हमारे पास एनिमल मॉडल्स हैं उनके अंदर हम डिजिटलिस को जब देते हैं तो उसके अंदर कार्डिक अरेस्ट होगा या नहीं होगा, बस हमने ये चेक करना है, ये नहीं चेक करना कि कितना हो रहा है. ठीक है. इसी तरह हाइपोग्लाइसिमिक कन्वर्जेंस इंसुलिन का अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं माइस के अंदर, तो इंसुलिन इंजेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो टेकअप होगा, तो हाइपोग्लाइसिमिक कन्वर्जेंस स्टार्ट हो जाएंगी माइस के अंदर. अब हमने ये चेक करना है कि वो कन्वर्जेंस माइस के अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही. ठीक है. ऑल और नन रिस्पॉन्स को चेक करना होता है. दूसरा हमारे पास मेथड है ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐसे उसके अंदर परफॉर्म करते हैं. इन दीज एसेस एज द डोज इंक्रीजेस देयर इज एन इक्विवेलेंट राइज इन रिस्पॉन्स. इसमें ये होता है कि हम जैसे जैसे डोज को इंक्रीज करते जाते हैं जो रिस्पॉन्स है ना ड्रग का टेस्ट सैंपल का वो इंक्रीज करता जाता है. द पोटेंसी इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द टेस्ट सैंपल रिस्पॉन्सेज विद द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज कर्व. अब हम एक ग्राफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस पे उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे और वाई एक्सिस पे सपोज हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वाई एक्सिस पे हम जो है ना ब्लड प्रेशर लिख लेंगे. अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे जैसे वैसे ना उसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है. नहीं मतलब ब्लड प्रेशर को अगर हमने कंट्रोल करना है तो ब्लड प्रेशर कम होगा, लेकिन अगर हमारे किसी ड्रग की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं. अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे तो उसमें ये होगा कि ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा. अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जिसकी रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एड्रिनलिन, तो उसमें ये होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स फॉर हिस्टामिन असे. अगर हम देखें हिस्टामिन का असे हम कर रहे हैं और उसमें चेक करेंगे कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट है. इन द स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सेज इन केस ऑफ एड्रिनलिन. ठीक है. तो इसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स में हम कंसंट्रेशन की बेसिस पे उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, जबकि हमने जो पिछला मेथड पढ़ा था उसमें ये क्वांटल में उसमें हम सिर्फ ये चेक करते थे कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, ऑल और नन. यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बेसिस पे उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं.